वही छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ वासियों की सालों पुरानी मांगों को सीएम भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है। सीएम ने अरपा पैरी के धार महानदी के अपार को राज्य के गीत बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना को अब हर सरकारी कार्यक्रम के शुभारंभ पर बजाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री धान खरीदी के मामले में लोगों से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने को कहा गया और जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने छत्तीसगढ़ी में भाषण दिया। राज्योत्सव में कई विभूतियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साथ ही अलग अलग विभागों के स्टॉलों को भी पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा के रचित अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, बिना सागरों के या शासन के कोई सहयोग से ही गांव गांव वो गीत मन भजन है। जिस समय इसका शुरुआत हुई वो समय जब तक लोग प्रेरी से आज होगा से ज्यादा होकर लोकप्रियता बढ़ चुके हैं। ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित अरपा पैरी के धार राजगीत के रूप में शासन एक स्वीकृति प्रदान कर रहे थे और जब भी कोई राजकीय कार्यक्रम हो राजगीत के रूप में वो गीत लगाया जाए बजाया जाए।